सो हे गाइस, दिस इज रिश्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग जूनियर्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं आपके लास्ट चैप्टर सिविक्स के, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इस चैप्टर के आज आपको सारे के सारा लेक्चर मिल जाएगा। यू विल गेट नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप पूरा लेक्चर को देखो, देन नीचे आपको नोट्स मिलेंगे, उन्हें आप बच्चे डाउनलोड कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। दोज आर ऑल द 5 मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपको सिविक्स के भी मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज मिस नहीं करने या इससे पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो यू विल ऑल्सो गेट द लिंक ऑफ द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है, सॉरी, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय एवरीवन, होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में सिविक्स के लास्ट चैप्टर यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को डीप में पढ़ने से पहले डेमोक्रेसी को एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें लोगों के पास अधिकार होता है अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करने का। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो यार, हमारे पेरेंट्स की ना हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। वो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमें एक अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसकी फीस को पे करते हैं, फिर हमारे ट्यूशंस लगवाते हैं, हमें कोचिंग में डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई पढ़ लिख कर हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स ले आए और एक सेटल्ड लाइफ जी ले, राइट। तो यार इसी तरह से जितने भी गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं उनसे भी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि अगर हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं तो हम कौन कौन सी चीजें इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रमोट इक्वेलिटी। तो भाई इसके लिए अपने पास राइट्स तो हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। तो ओवरऑल डेमोक्रेसी में हमें इक्वेलिटी देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 2, एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो डेमोक्रेसी में हमारे व्यूज को रेस्पेक्ट दी जाती है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास राइट है ओपन पब्लिक डिबेट्स करने का। तो यार डेमोक्रेसी में हमारे ओपिनियन मैटर करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करके लिया जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। तो यार अगर हमारे किसी के साथ कन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए हम कोर्ट्स जा सकते हैं, या अगर हमारे किसी राइट का वॉयलेशन किया जाता है तो भी हमारे पास कोर्ट्स होती हैं। पॉइंट नंबर 5, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। तो हर एक सिस्टम में ना कुछ कमियां होती है, कोई भी सिस्टम टोटली परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेसी की एक एडवांटेज ये होती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी मिस्टेक ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती। तो अब एक सिचुएशन अज्यूम करके चलते हैं। मानो कल को गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आती है और वो पॉलिसी लोगों के फेवर में नहीं होती है, प्लस उसमें कुछ फॉल्ट्स भी होते हैं। तो अब डेमोक्रेसी सिटीजन्स को एक स्पेस देता है जहां वो उस पॉलिसी पर या फिर उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उन पर डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ओपन डिबेट्स कर सकते हैं, या फिर हम उस पॉलिसी के खिलाफ कोई कैंपेन भी लॉन्च कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को मौका देती है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। तो यार एट लास्ट अब होगा ये, या तो रूलर अपनी उस डिसीजन या पॉलिसी को चेंज कर लेंगे या फिर पब्लिक उस रूलर को चेंज कर देगी। तो अब इसी सिनेरियो को एक बार डिक्टेटरशिप या मोनार्क से कंपेयर करके देखते हैं। तो यार वहां हमारी एक्सपेक्टेशंस तो तेल लेने चली जाती है। मेरे को फीलिंग नहीं है। हाँ, ठीक है, पानी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डिसीजन होगा वो सिर्फ मोनार्क के पास ही होता है, लोगों का उसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है, ना ही वहां पर सिटीजन्स में इक्वालिटी होती है, ना उनके ओपिनियंस को कोई रिस्पेक्ट दी जाती है। तो बहुत सी कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है वहां पर हमें करप्शन या फिर ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी को किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं तो भले ही हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते, लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ये जरूर है। तो अब NCERT के अकॉर्डिंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को ब्रीफली पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो यार अब इस पॉइंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लर्न करेंगे। पार्ट नंबर 1, ARTR, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले अकाउंटेबल का सीधा सा मतलब होता है आंसरेबल। सपोज मैं आपकी SST टीचर हूं,
और अब पेपर होते हैं, ठीक है, तो पेपर में ज्यादातर बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो यार अब इस सिचुएशन में मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ प्रिंसिपल सर को कि बच्चों के नंबर आखिर कम क्यों आ रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि बच्चों के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्री की फंक्शनिंग के लिए। तो भाई अब क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे पास राइट है अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करने का, तो अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाती है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि उनकी डोर हमारे हाथ में ही है, एट लास्ट इलेक्शन में वोट तो हमें ही डालनी है ना। तो अब यहाँ सबसे मेजर क्वेश्चन यही आता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है। तो हाँ भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है, भले ही यहाँ डिसीजन लेने में टाइम लगता है लेकिन उस एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है ताकि वो डिसीजन सबको बेनिफिट करे। तो अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। तो यार 2005 के RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट है कि अब हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जान सकते हैं। तो यार अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट किस तरीके से अपना प्रॉपर फंक्शन करती है, उनकी सारी पॉलिसीज या किस तरह से वो फंड रेज करती है, इन सारी इंफॉर्मेशन को अब हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें तो जब 2011 में अन्ना हजारे एक अनशन पर बैठ गए थे जन लोकपाल बिल को लेकर, और उस बिल का कंसर्न यार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में करप्शन को कम करना प्लस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना था। तो अब अगर कंक्लूड करें तो डेमोक्रेसी में हमें काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब आते हैं इस पॉइंट के नेक्स्ट पार्ट लेजिटिमेट पर। तो लेजिटिमेट का सीधा सा मतलब होता है लीगली करेक्ट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर एक एक्शन को लॉ रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज के हिसाब से लिया जाता है, तो इसीलिए वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट भले ही थोड़ी लेस एफिशिएंट हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिव ना हो, बट एट लास्ट ये लोगों के थ्रू ही इलेक्टेड होती है। और ज्यादातर कंट्रीज में यही देखा गया है कि वहां के सिटीजन्स चाहते हैं कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही उन्हें रूल करें। पॉइंट नंबर टू, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यार यहाँ डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़े डाउन हो जाती है। तो एक स्टडी की गई थी 1950 से लेकर 2050 ईयर्स के लिए, और उसमें यार ये चीज़ ऑब्जर्व की गई थी कि जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप थी उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा तेजी से हुई एज कम्पेयर टू द डेमोक्रेटिक वन। क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में जब भी कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है या रिफॉर्म आता है तो उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और इसी वजह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं। लेकिन यार डेमोक्रेसी एक ऐसा रीज़न नहीं हो सकती जिसकी वजह से किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है, और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी डेवलपमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कंट्री का साइज कितना है, प्लस उन्होंने क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज रखी हुई हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट होती नहीं है, थोड़ी स्लो होती है बिकॉज पीपल हैव अ से इन इट। पॉइंट नंबर थ्री, इनइक्वालिटी। तो जनरली यार अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता तो वहाँ रिच और रिच होते जाते हैं और पुअर और भी ज़्यादा पुअर होते जाएंगे। अगर हम इंडिया में देखें तो ये जो अमीर और गरीब के बीच का गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नई पॉलिसीज लाई जानी चाहिए ताकि वो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सके, प्लस उन्हें अच्छी हेल्थ सर्विसेज दे सके, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ये जो सिचुएशन है ना, ये भी डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, जहाँ पे आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और वो दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होते हैं इवन फॉर द फूड सप्लाई। तो एक्चुअल सेंस में एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा जब वहाँ की गवर्नमेंट स्टेट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे और इन इनइक्वालिटीज को कम करे। पॉइंट नंबर फोर, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो हमने चैप्टर नंबर वन में देखा था कि कैसे पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी ने बेल्जियम में उस रिलीजियस कंफ्लिक्ट को सॉल्व किया था। तो यार डेमोक्रेसी देखा जाए तो सबसे बेस्ट मॉडल है सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का।
लेकिन अब आप बोलोगे कि श्रीलंका में भी तो डेमोक्रेसी थी, फिर वहां वो वॉर क्यों हुआ? तो यार डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट तभी कर सकती है जब वहां दो कंडीशंस हो। नंबर वन, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अगर सिन्हाला और तमिल ने साथ में मिलकर कंट्री को चलाया होता तो वॉर नहीं होता ना। दूसरा पॉइंट है, डेमोक्रेसी में ना मेजॉरिटेरियन रूल होता है। तो यार अब इस मेजॉरिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो रिलीजियस ग्रुप उस कंट्री में ज्यादा है या मेजॉरिटी में उसकी पॉपुलेशन है तो वो रूल करेगी। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जिस कैंडिडेट या पार्टी को इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोटें मिलती है और वो मेजॉरिटी हासिल करता है। पॉइंट नंबर 5, डिग्निटी एंड फ्रीडम। तो यार डिग्निटी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अगर हम किसी से डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें रिस्पॉन्स भी उसी लैंग्वेज में मिलेगा और कंफ्लिक्ट होगी एक तरीके से। तो डेमोक्रेसी में डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोविजंस दी गई है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट। तो यार अगर हम बहुत साल पहले कंपेयर करते हैं तो पहले क्या होता था, सोसाइटीज मेल डोमिनेटेड होती थी, वहां ना तो वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता था, ना उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाते थे, ना उन्हें एजुकेशन दी जाती थी। तो यार वुमेन्स ने ना बहुत ज्यादा सफर किया है और इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी और बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद उन्हें अपने राइट्स मिले थे। इसके अलावा यार डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम देता है, ठीक है, हम जो चाहें उस रिलीजन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कास्ट इनइक्वालिटीज भी कम होती है। तो ओवरऑल डेमोक्रेसी सबसे पहले इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है, प्लस हमें फ्रीडम भी देता है और इससे सोसाइटी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होती है। तो ये थे कुछ डेमोक्रेसी के आउटकम्स। तो अब इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है और एक बार फटाफट से इसको समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा। तो यार चैप्टर की शुरुआत की हमने अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, गवर्नमेंट को डिसीजंस थोड़े एफिशिएंटली लेने चाहिए, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के कुछ आउटकम्स पढ़े कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिटिमेट होती है, प्लस वो अकाउंटेबल होती है। उसके बाद हमने कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी डेमोक्रेसी को एनालाइज किया। तो यार अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमें अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स डेमोक्रेसी से मिलते हैं। पहला है कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, प्लस रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। दूसरा है ओपिनियन। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ओपिनियंस ही होते हैं और डेमोक्रेसी ही एकमात्र ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें हमारे ओपिनियन मैटर करते हैं, हमें एक स्पेस दिया जाता है जिसमें हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, यार अगर हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज पसंद नहीं आती है तो हमारे पास राइट होता है कि हम उसके लिए अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेसी सरकार को भी मौका देती है अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का। डेमोक्रेसी में हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। तो भले ही डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी स्लो होती है लेकिन इसके पॉजिटिव फीचर्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि इंडिया जैसी एक इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी एकमात्र वो साधन है जिसने सोशल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। राइट, लास्ट, डेमोक्रेसी हमारी डिग्निटी को मेंटेन करके रखती है, हमें फ्रीडम देती है और यार ये सारे एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री को एफिशिएंटली रन करने में। तो बेसिकली होता क्या है, टाइम के साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस और नीड्स चेंज होती रहती है। आज हमारी कुछ डिमांड्स है डेमोक्रेसी से, कल वो कुछ और होंगी। तो यार अब इतने सारे एनालिसिस के बाद मैं एक बात कंक्लूड कर सकती हूँ कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हमें राइट्स भी देता है, हमारी डिग्निटी को भी मेंटेन रखता है, हमें फ्रीडम भी देता है और गवर्नमेंट भी यहाँ पे अच्छे से काम करती है एज कम्पेयर टू अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट।